माँ बाप जो होते हैं वो जिंदगी का हर दुख सहन कर सकते हैं, लेकिन संतान का दुख कभी माँ बाप सहन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, संतान का दुख माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, किसी भी माँ बाप के सामने ऐसा अवसर ना आए जब एक माँ के सामने उसका पुत्र जाए। ध्यान रखना, माँ बाप के लिए सबसे दुख की बात एक ही होती है, जब उनके सामने उनका पुत्र जाता है। तारा रोने लगी, बिलखने लगी, तब तक बाग का माली आया। बाग के माली ने कहा, बेना तेरा लालच बहुत देर को मरो पड़ो है, तो अपने जब पुत्र को ले जाओ और ले जाए के जब अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक मिट्टी रखी रही तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तब तारा ने रोए के माली से कही, भैया माली, हम तो जब परदेश में परदेशी हैं, हम तो जब प्रदेश में नहीं आए हैं, हम तो यहाँ ये भी नहीं जानते कि यहाँ का मरघट कहाँ है, जब मैंने अपने पुत्र को ले जाऊं और दाग लगा दूं जाके। तब माली ने कहा, बेना हम तुम्हें बता रहे हैं कि मरघट तुम सीधे जाना, तुम्हें रास्ते में मिल जाएगा। तो माली ने जब ये वचन कहे तो मैया तारा ने अपने पुत्र की लेस को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और उठाए के मैया मरघट जान लगी। जबकि ऐसा माना जाता है कि माताएं कभी मरघट पर नहीं जाती हैं, स्त्रियों का मरघट पर जाना वंचित होता है, स्त्री कभी मरघट पर नहीं जा सकती है। लेकिन आज मैया तारा के ऊपर इतनी मुसीबत है कि मैया तारा ने अपने पुत्र की लेस को अपनी गोद में उठा लिया और उठाए के मैया मरघट जान लगी। जब मैया मरघट जा रही है, भैया मरघट जा कर रहे थे। जब तारा उसी मरघट पे पहुंची दादा, तो अंधेरा हो गया था, तो हरिश्चंद्र जो थे उनका शरीर इतना जर्जर हो गया था कि उनकी आंखों से कम दिखाई देने लगा। तो जब तारा पहुंची तो हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है? हरिश्चंद्र पास में आए। अब हरिश्चंद्र ने तारा को नहीं पहचान पाया, लेकिन तारा ने हरिश्चंद्र को पहचान लिया कि जे मेरे महाराज हैं। तब तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज मैं हूँ आपकी पत्नी तारा। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम यहाँ रात में क्या कर रही हो? तारा ने जवाब दिया, मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। हरिश्चंद्र बोले, पुत्र का अंतिम संस्कार? किसका पुत्र? क्या हुआ पुत्र को?
तारा ने जवाब दिया, महाराज हमारा पुत्र हमारा बेटा रोहित उसे काले सर्प ने खा लिया, तुम्हारा बेटा मर गया, हमारे बीच नहीं रहा, संसार को छोड़ के चला गया। जो तारा ने ये वचन कहे तो हरिश्चंद्र ने जब ये बात सुनी तो उनको ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हरिश्चंद्र ने भाई महाराज बैठ गए, हरिश्चंद होश नहीं रहा हरिश्चंद्र को। कुछ देर बाद जब होश में आए तो तारा ने जवाब दिया, महाराज बहुत देर हो गई मेरे पुत्र को मरे, अब आप ऐसा करिए कि मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। जब ये बात कही कि मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार तो कर दूंगा लेकिन पहले मुझे कर और कफन चाहिए, पहले मुझे कर और कफन चाहिए, मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दूंगा। तारा ने जवाब दिया, महाराज फूटी कौड़ी नहीं है जिस पैसे से मैं अपने पुत्र को कफन उड़ा दूं, और तुम हमसे कर और कफन मांग रहे हो। अरे ये बेटा अकेला मेरा ही नहीं बल्कि ये पुत्र तो तुम्हारा भी है। तब हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा बादन की याद करो जब तुमने मेरा जल का भरा हुआ घड़ा नहीं उठवाया था, तब तारा तुमने हमसे कहा था कि हे महाराज मैं घड़ा ब्राह्मणी का भर रही हूँ, तुम घड़ा मैतर का भर रहे हो, अगर उस समय तुम मेरा घड़ा छू लेती तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाता। तारा उस दिन तुम धर्म में फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे हैं, तो पहले मुझे कर और कफन दे दो, अपने पुत्र की लेस जलवा लो। तारा समझ गई कि जी अब काल की बात नहीं मानी, तो मैया तारा अपने तन पे एक साड़ी पहने रहे मैया, सो मैया तारा ने वही साड़ी उतार ली और उतार के आधी दो टुकड़े करके महाराज आधी साड़ी बेटा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दी, आधी साड़ी जो थी वो कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दी। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। आज तारा वहां से नग्न अवस्था में आई, काशी में सती का मंदिर था, उसी मंदिर में तारा घुस गई और महाराज पछाड़ खा के गिर पड़ी। मैया को होश नहीं रहा क्योंकि कहा जाता है दुख में या तो भूख सताए या नींद सताए, दुख में या तो भूख सताए या नींद सताए। परिचन महाराज मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी, होश नहीं रहा। विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई, काशी में से दो मृत बालकों को ले लिया, बीच में से काट दिया, तारा के पास लिटा दिया, उन बालकों का रक्त तारा के मुख में लगा दिया और पूरी काशी में ऐलान कर दिया, काशी के लोगों सती के मंदिर में एक डायन आई है जो बालकों को मार के खाती है। पूरी काशी में सन्नाटा छा गया, काशी के राजा ने खबर पहुंचाई कालू मेहतर के पास में, बोले जाओ जाके डायन को मारो। कालू मेहतर ने खबर पहुंचाई हरिश्चंद्र के पास में, बोले जाओ जाके डायन को मारो। तो हरिश्चंद्र ने तलवार ली, तारा के पास में आई, अब तारा को नहीं हरिश्चंद्र पहचान पाए। तो मैया तारा सो रही थी, हरिश्चंद्र ने केस पकड़ लिए तारा के और केस पकड़ के घसीट के जो बाहर पटका मंदिर के, सो देखा तारा तुम ही वो डायन हो जो बालकों को मार के खाती हो, हमें ऐसा लगता है कि मेरे रोहित को भी तुमने खाया है, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। सो महाराज हरिश्चंद्र ने जो मारने के लिए तलवार उठाई सोई महाराज आकाश गाड़ी होने लगी, ऐसा ही नहीं और तो जान सती मार रे तू डायन है अत्यारी, ध्यान रखना महाराज हाथ में तलवार को ले लिया हरिश्चंद्र ने, जैसे ही मारना चाहा जवाब दिया तारा तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तारा बोली बेशक मार दो, बिल्कुल मारो, क्योंकि पति मेरे पास में है नहीं, पुत्र मेरे पास में है नहीं, तो जी करके करेंगे क्या, मार दो मुझे। एक
नरेश चंद्र विश्वामित्र से एक ही बात गई, कहो महाराज धन दौलत तुमने ले ली, राजपाट तुमने ले लो, अब का लेना है, अब तो हमारी हार और रही है, सो ले जाओ। हरिश्चंद्र बोले महात्मन अब मेरे हार और रही है, सो ले जाओ, पुत्र तुमने ले लिया, पत्नी तुमने छीन ली, राजपाट तुमने ले लिया, धन दौलत तुमने ले ली, अब का लेना है। विश्वामित्र मुस्कुरा करके कहने लगी, राजन मैं तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। हरिश्चंद्र बोले महाराज हम समझे नहीं। विश्वामित्र बोले समझे तो तुम नहीं, लेकिन हम तुम्हें समझा रहे हैं, ये जो कुछ भी चल रहा था ये केवल और केवल तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। न तुम्हारा पुत्र कहीं गया, न तुम्हारी पत्नी कहीं गई, न तुम्हारा राजपाट कहीं गया, वो सब कुछ यही है, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिस परीक्षा में तुम सफल भी हो गए। हे राजन, आज तुमने ये सारी दुनिया को बताया है कि संसार में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा सत्यवादी और दानवीर राजा आज तक न दुनिया में कोई हुआ और न कभी होगा। हे राजन, जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक तारे चांद रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेंगे, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जो इतने बच्चन कहे कि नाम अमर रहेगा, उसी समय विश्वामित्र ने कहा, हे राजन तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो तारा ने जवाब दिया, वरदान प्रभु को छूना चाहिए, पहले मेरे पुत्र में लौटाए दे। अगर माँ के सामने पैसा, माँ के सामने पुत्र को खड़ा किया जाए और माँ से कहा जाए कि तुम क्या चुनोगी, तो माँ हमेशा अपने पुत्र को ही चुनेगी, ये होती है माँ की ममता। ध्यान रखना, तारा बोली हमें धन दौलत का चुना चाहिए, हमें मेरे पुत लौटाए दे। सो आवाज लगाई रोहित को, सुन रोहित भागता हुआ आया अपनी मैया के पास में, तारा ने देखा अपने पुत को कलेजे से लगा लो। हरिश्चंद्र से बोले, हे विश्वामित्र, हे राजन आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा राजा संसार में कोई नहीं होगा। जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, पृथ्वी आकाश रहेंगे, तब तक ये तुम्हारा नाम अमर रहेगा और तुम्हारी इस गाथा को, तुम्हारी इस कथा को जो कोई भी भाव से सुनेगा या जो कोई भी भाव से कहेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी।